एक्साइटमेंट यार कसम। फोन किधर था? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हो रही है हमारी यूनिवर्सिटी में बारिश। हम लोग कभी भी इतने ज्यादा बारिश में भीग गए। ओह माय गॉड, दे आर सो सिली। खो हमारा रास्ता। हाँ तुम ही भी हाँ, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी बारिश है। मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी की नहीं है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी लाइफ एक सेमेस्टर की लास्ट है। फिर हो जाए। अच्छा तुम्हारी शॉर्ट्स बनाती है? ऐसे कैसे बन गई? ये वो नहर वाला पुल है जहाँ पे वो लड़की खड़ी होती है। बारिश हो रही है यार मेरी क्लास। ये लो, तुम गिरो ना गिरो, मैं तो गिरूंगी। अच्छी अच्छी बात, तुम जा रही हो चुड़ैले मेरे पीछे लग गई थी। बंद हो गई जब हम लोग बाहर आते हैं, बारिश अभी स्टार्ट हुई है। अभी हम जाएंगे नया मास्क लेंगे, उसके बाद फिर ये वाला मास्क डस्टबिन में फेंकेंगे। नहीं यार, आज मेरा कॉफी केसर का प्लान है। तो उस दिन मैं अकेले गई थी तो वो लोग मुझसे नाराज हो गई थी। और अभी फिर वो कह रही थी कि 1:30 बजे या 3 बजे तक पहुंच जाए। जरूरी है सांस से घुस के दफा होने बंदा थोड़ा सा, मतलब और रास्ता नहीं। आपको गुजरने में सांस से चपेट लगाऊंगी इसके मुंह। चपेट लगाएगी? हाँ देखिए अपने इतने अंदर से। हाँ मतलब एक तरीका नहीं है, बदतमीज से तेरा गाने लगा के घूम रही। जैसे लोगों के पास गाने हैं ही नहीं, हम लोग के तो प्ले लिस्ट में कुछ है ही नहीं रखा हुआ। आज क्या हो रहा है? बाल दो तेरे को अपने। आज मैंने शे ऊपर वाले ऑरेंज वाले। इतना सोफिस्टिकेटेड क्यों बन रही हो आज? मेरी क्लास हो रही है भाई, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ क्योंकि तुम आज अकेली थी, तुम्हारी बहन की तबीयत खराब। अभी मैंने मास्क लिया क्योंकि मुझे अभी उलझन हो रही है अपने मास्क छोटी का मसला हो रहा था। नोविता पकड़ो, नोविता विस्कोनी। और क्या लेना है? छोटे बच्चे क्या चीजें खाते हैं वो बताओ मुझे। जेलो बेलो चॉकलेट, ये वाली चॉकलेट मेरे लिए। दो लेकिन मैं अपनी क्लास छोड़ के ना सिर्फ इसके लिए आई हूँ, सिर्फ इसके लिए। ठीक है? हाँ मैं बहुत अकेली हूँ। मैं हूँ ना यार, मेरे होते हैं तुम अकेली हो सकती हो। अच्छा और अब मैं आप लोगों को अपनी क्लास दिखाती हूँ। मैं लाइब्रेरी पढ़ने आई थी लेकिन मैं इन गर्ल्स के बगैर रह नहीं सकती। मैंने इनको वीडियो कॉल, चलो व्लॉग में करो। हाय, मैं बैठी हूँ लाइब्रेरी में। कुछ फजूल लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था जबकि मैंने यही सोचा कि मैं अभी जाके लैब में बैठूँगी अपना दिमाग ठीक करूँगी। ठीक है, मेरा दिमाग पूरा पागल हुआ था। और यहाँ पर आई मैं, अब कुछ पहनने का सोचा था, लाइक कुछ वर्ल्ड हुआ विद इंस्टाग्राम। तो पढ़ने बैठी तो फ़ोन में वास्ते मैंने बीता। टाइम वेस्ट करने के बाद अभी टाइम 1:20 मेरी 1:30 की क्लास है। मैं दोबारा क्लास पे चली जाऊँगी। मैं जा रही हूँ अपनी क्लास लेने। आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज बताया आप लोगों को मैं वो मनहूस शक्लें दोबारा नहीं देखना चाहती क्योंकि मेरा कुछ फजूल लोगों ने इतना दिमाग ख़राब किया, इतना दिमाग ख़राब किया। और इमराना घर से टाइम इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और अभी धूप निकली हुई है, इतना गर्मी वाला मौसम बन चुका है। आपको इतनी ज़्यादा धूप निकली है, मुझे गर्मी लग रही है। मामा ने सुबह मुझे पहना दी जैकेट अपनी क्लास में। यहाँ पर मेरी क्लास होगी और मुझे मैसेज आ रहा है कब फ्री होगी। क्या करूँ, मेरा टाइम टेबल ही ऐसा है। और इतनी ज़्यादा धूप आ गई है, इतनी गर्मी हो गई है। और ये हमारा डिपार्टमेंट क्लास में, अभी हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है।
अभी हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है और उन दोनों को वो लोग मेडिकल कॉलेज गए हैं और मुझे उन दोनों का मैसेज आया कि तुम हमारा वेट करो, हम लोग वहाँ से देख रहे हैं कि वो लोग कहाँ आगे। मुझे बोल रही है ग्लोब के पास आ जाए, लेकिन इतनी पागल नहीं मैं अभी जाके खड़ी हो जाऊँ, मैं देर खड़ी हूँ। और इसके साथ कल है वेडनेसडे और हमारा कल ऑफ है क्योंकि मैम ने अरेंज लैब्स ले ली थी, ठीक है। और थर्सडे को वैसे छुट्टी है और मैं उधर बैठी हुई थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को, मुझे नींद आ रही थी और ये आती गई चॉकलेट चॉकलेट। बच्चों की आई पार्टी थी, लगता मुझे नजर लगी, अम्मा कहती है लो जी पहले सामने को लगती थी अब इसको भी लग, मुझे नजर लग गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे बालों को भी नजर लगाई थी, मेरे बालों को लड़कियां देख रही थी कहे बैंक हम मिरर सेल्फी ले सकते हैं, बैंक में बंद हो चुके हैं सारे पैसे हमारे, ये नहीं खुल सकता अब एटीएम जाने और हम जाने सारे पैसे हमारे, मुझे पैसे कितने कुछ करते वो लॉक लगा क्या कि सही बात है, मैंने खोला वो तो भाई दो हमारे पूछा अब तुम्हारा नहीं रहा, घंटा एटीएम के साथ मंगेगा, हम उस एटीएम के मालिक नहीं रहे, वो हमारा घंटा एटीएम के साथ मंगे करने के बाद वो हमारी प्रॉपर्टी थी, अब कुछ नहीं रहा हमारे पास, लिटरली मैंने उसको लॉक किया मैं सोच रही हूँ लॉक कर देते, ऐसा भी क्या था पैसे ही निकलवाने थे ना, इतनी देर लगा पार्टी करते हैं, वैसे भी ये लोग सब मुझसे ट्रीट मांग रहे थे दिनों में, ट्रीट तो आज मैं पार्टी में बच्चों के देखो बॉयज भी थके पड़े हैं हील्स पहन के, बॉयज बेचारे बॉयज का क्या होता है कौन सा वो नाचते हैं, सही बात है यार ना वो हील्स पहनते हैं ना वो हैवी ड्रेसेस पहनते हैं ना उनके बालों का मसा होता है कुछ, फिर भी ऐसे मर गए। अभी पार्टी में मुझे कोई टाइम लगा था, मैं ना एक्साइटेड होती हूँ अगर वेडनेसडे को पार्टी हो तो, मैं मंडे ट्यूसडे को आराम से एक्साइटेड, रातों को नींद नहीं आती मुझे, शोर कर रहे हैं पता नहीं क्यों, ये लड़ाई कर रहे हैं सामने और मेरी तरह, बिल्लियाँ हैं ये सामने मेरी तरह लड़ाई कर, सामने ये मारेगी सामने मारेगी सामने सच में ये गले पड़ जाती है, सामने सच में गले पड़ जाती है, अरे सामने आ रहा है जो भी है ये लड़के सामने आ रही है, अल्लाह करे तुम्हारे ऊपर चिपक जाए। लोग फाइनली आ चुके हैं कॉफी के सेल के पास, लेकिन लेकिन दिल बिल्कुल भी कुछ करने को नहीं कर रहा, हमारा चलने के तरीके से आपको पता चल जाना चाहिए, बॉन्ड अनब्रेकेबल आ चुके हैं इधर, हम लोग अंदर ही बैठेंगे भाई गर्मी है, जो चाहे आप खा सकते हैं, आप जाएं काउंटर पे ऑयल दे नहीं 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 कुछ नहीं कहेगा आपको, ये सबके लिए मैं भी आ सकता हूँ, तू नहीं आ सकती चुड़ैल सिर्फ इसके लिए नहीं है, बताओ क्या हुआ था, क्या हुआ था वो पहली बार जो आनी है वो बहुत सादा में कोई है गांव की और उन्हें नहीं पता कि यहाँ पे क्या मिलती है, यहाँ पे सब चीजें मिलती हैं खाने को, हम पहली दफा आए हैं, हम समझ रहे थे सिर्फ कॉलेज के बच्चों के लिए होता है, तो हमने कहा सिर्फ ये मेडिकल कॉलेज के बच्चों के लिए नहीं, हमने कहा है सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो घर से बड़े सारा कुछ हमने डिसाइड कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं, ओ ओ बड़ी आई मैडम जाओ जल्दी आना, अच्छा महारानी मेरा फोन तो देख किधर था, उन लोगों के पास फोन इसके अंदर पड़ा हुआ है, फातिमा इसका फोन बेचारी को पता ही नहीं है, फोन इसके अंदर ही पड़ा हुआ था, किधर है ये देखो इधर रखा हुआ था, इधर रखा हुआ मुझे कुछ और कौन सा वाला शेक, चॉकलेट वाली ब्राउनी चॉकलेट वाली कहती है मेरा ऐसे नीचे, हम लोग एक और दफा चारों इधर ही बैठे थे ना तो हमारा खाना ज्यादा हो गया, फिर उधर से एक और टेबल उठा के रखा था इधर, हालत देख के लगता नहीं है लड़कियां इतना खाना खाती है, अपनी हालत देखो मैं तो ठीक हूँ, कैसा है इसका टेस्ट
स्ट्रॉबेरी वाला। मामा को दिखाऊंगी ना मैं, चल रहा है सामने, कूल डाउन। क्या क्या खा रही हो? खाना नहीं यार, मैं खाना खा रही हूँ, मेरा मूड खराब कर दिया। क्योंकि जाके खाओ। हाँ अभी हम लोग जाएंगे मार्केट चॉकलेट्स लेने, और क्या लेना, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, और उसके बाद फिर हम लोग घर चले। मैडम साहिबा कह रही है इन्हें कहो कॉफ़ी कैसे लाएंगे, साफ रखा करें जब मैं आऊँ। अच्छा हाँ बोलिए, मैंने से बताया था कि अगर आने के बाद मुझे खाते हुए किसी ने उठाया ना तो कोई देखना। भाई कुछ इस तरह का सीन है, अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली फाइनली मारो की। और ये गर्ल्स आगे जा रही हैं, अब हम लोग आए हैं CSD। क्या करना आप दोबारा मेरे क्या करने, चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खानी है, चॉकलेट। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। कोक तो है ही नहीं, CSD वालों कोक क्यों नहीं रखी? मेरा नाम सामने से वो रख दे रहा, अगर तुम्हें यहाँ से वो मिल गई कोक नहीं है क्या, चॉकलेट। अब मेरा नाम वो रखो साम्या, दफा हो जाओ, निकलो इधर। CSD टूर के बाद मम्मा कहती है मैं नाश्ता नहीं लेके आती, अगर मम्मा ये वाला कपड़े दोगी तो नाश्ता करूंगी, नहीं तो नहीं। तो हां तुमने मेरे सेल्फी होने लगी, मेरे सेल्फी होने लगी जी जी इसके साथ। किकी कोका कोला मिलेगी, निशाई को नशा मिल गया। ये है मेरा मर्ज पता, मास ट्रिक्स या स्नीकर्स। फाइनली हम लोग दोबारा आ गए कॉफी कैसे, हम कितना घूमते हैं ना। हाँ इधर इधर से किसी के दूर जाने से, ओ माय गॉड जिप लाइनिंग, ओए 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 हैवी सीन्स। अभी सामने कह रही कि वॉल क्लाइंबिंग, ओ माय गॉड खेलने हैं, तुम बेबी हो समय, उनको देख लो और खुद को देखो, नहीं छेड़ो इन्हें, आए चिपेट पड़ेगी छोटी। ओ उनका हाउस देखो, ये लोग कितना प्यारा बना रही हैं, मैं तोड़ दूँ पागलों, किसी की मेहनत खराब करोगी। आज का व्लॉग जहाँ तक के लिए था, अब हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली घर, और अल्लाह हाफिज़।